परिवार सज्जन परिवार है। लड़का ये गलत लोगों के साथ रहा, संगत का असर हुआ है और उसका रिजल्ट आज सबके सामने है। कहाँ गया अभी? घर वालों को पता भी नहीं था कि पहले ड्यूटी से एक महीने से लापता है, घर वालों को पता ही नहीं। भगत परिवार है यो, इनका परिवार में आज तक कोई पैदा ही ना हुए इसको। ये शहीदों का काम है, ये हरकत करने वाली ये जनरेशन आई है जो ये हरकत किया है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के तार हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से जुड़े हुए हैं। दोवड़ा जाट गांव में हम मौजूद हैं, जहां के नितिन फौजी का नाम सामने आया है। हम जानेंगे कि नितिन फौजी के ग्रामीण हैं इनसे कि उनका स्वभाव गांव में किस तरह का था, क्या वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के थे या सबके साथ मिलनसार रहते थे। तो अपना नाम बताएं और आपके गांव के एक लड़के का नाम है जो जुड़ा है इस सारे मामले में, उसको किस तरह से देखते हैं आप? भाई साहब मेरे को तो मालूम नहीं, मैं तो उसको लड़के को भी नहीं जानता, ठीक है, मैं तो उसको जानता भी नहीं। कभी सुना हो उसके बारे में गांव में कि कोई किस तरह से? कोई नहीं, मैं मेरा देखा हुआ नहीं, मैं पहचानता नहीं उसको, कौन है कौन है। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबा? आपने कभी उस लड़के के बारे में सुना हो? हमने सुना, कोई बात गलती नहीं। अच्छा, सुने को नहीं, वो गलती है भाई, कोई काम करी ना, कोई कारण सुने ना, कभी कोई गलती हुई भाई। भाई ऊपर जाने गाँव में हम तो जाने, आपको ऐसा कोई संपर्क करनी होती कोई संपर्क होने ना, हम जाने से कहा अन्ना कोई काम करे ना बाहर को सुनू की हमी बता। भाई साहब आपका क्या नाम है, आप किस तरह से देखते हैं कि भाई उस लड़के का जो फौजी था किस तरह से था, उसका नाम इस मामले में आया है, इस सब को किस तरह से? जी मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, सुविधा मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट विजेंद्र सिंह, 31 साल सर्विस करके आए। उसका फादर भी नितिन का फादर भी आर्मी में सर्विस किया है और वो 15-16 साल सर्विस करके आया है, रिटायर हुआ है। गांव ने उसके फादर को नंबरदार बनाया है, भी उनका फादर फिलहाल नंबरदार है। अच्छा, थोड़े दिन पहले शादी हुआ था, अभी 1 साल हुआ शायद, शादी होगी 2 साल शादी हुआ है। परिवार सज्जन परिवार है। लड़का ये गलत लोगों के साथ रहा, संगत का असर हुआ है और उसका रिजल्ट आज सबके सामने है। जहाँ जहाँ गया, कहाँ गया अभी घर वालों को पता भी नहीं था कि पहले ड्यूटी से एक महीने से लापता है, घर वालों को पता ही नहीं। पहले इस तरह का कभी उसके गांव के अंदर कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो या पुलिस में कोई किसी प्रकार का मामला आया हो? पिछले 2 साल पहले गांव में कोई इशू नहीं था उसका, जो इशू हुए हैं वो अभी इसी 2023 में हुआ है, जो भी इशू हुए हैं उसके 2023 में, उससे पहले कोई लेने देने नहीं था। सज्जन लड़का, हसमुख लड़का है, बेनती है सब गाँव में, सब जो मिलता है सबका रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अभी कुछ महीनों से वो गलत लोगों के साथ में अटैच होकर रखा है, तो उसने वही हरकत किया जैसे संगत वैसे। तो क्या गांव वालों को इस तरह का पता था कि वो गलत संगति में चल रहा है, उसके परिवार के लोगों को? इतना डीपली नहीं पता था लोगों को कि ये इतना बड़ा स्टेप ले सकता है कभी, कुछ डाउट था लोगों को, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि इतनी बड़ी हत्याकांड में शामिल हो जाएगा, ये गांव का नाम रोशन कर देगा, इतना नहीं पता। जो युवा पीढ़ी है, जो उनके साथी है, उनको किस तरह से आप कहना चाहेंगे? नहीं, ये रास्ता किसी भी स्टेज पे सही नहीं है, जो मर्जी हो जाए लेकिन ये रास्ता किसी भी स्टेज पे सही नहीं है। इज्जत से जिंदगी जी सकते हो तो कमा के इज्जत से खाओ, इज्जत से जियो, इज्जत से रहो, मरना है तो देश के लिए मरो, ये नहीं है कि दूसरे अपने ही आदमी को गोली चला के मार देना, फिर भगोड़ा होना, परिवार का नाम, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम खराब करना, ये कोई तुक वाली बात नहीं। आप भी फौजी है, फौज से रिटायर आए हैं, वो भी फौज में है, तो एक फौजी को इस तरह के नाम आना या इस तरह की अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होता है सोच के कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीने वाला बंदा ये हरकत कर सकता है, सोचना भी मुश्किल। बिल्कुल, गांव वालों को किसी भी प्रकार से ये नजर नहीं आता कि वो इस तरह के मामले में संलिप्त था या हो सकता है। बाबा आप क्या कहेंगे, आप उनके पिता को भी जानते होंगे, उनके परिवार किस तरह से उनका नेचर? जाने भी जानू जी, भगत परिवार है, इनका परिवार में आज तक कोई पैदा ही ना हुए इसको, ये पता नहीं कैसे किस गैंग में बैठ के रही, तेरे को देखा दो फौजी बाप नंबरदार बाप पेंसिल दे रही, जो कई गैंग में किसी मिल के ये काम कर दिया, नैन का तो खानदान में ही है, आई का भाई रहा गांव में, राम राम पाठू के निकले थे, ये छोरे भी छोर भगत थो, ये छोरो जाना भाई कई चक्कर में फंस के किस हो। अब क्या कहेंगे, इस तरह के बच्चे हैं, उनको गांव में पहली बार इस तरह का मामला हुआ होगा, तो और जो युवा है उनको किस तरह से? मारा गांव में था छोरा को जो पहले कांड से,
आज तक हम तो सुने ही कोई ना कहीं के साथ घोड़ा लड़े घोड़ाई लड़ाई कोई नहीं बाढ़ का है होश में रहो पढ़ो लिखो गांव में तो किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं संगत को ना भेड़ो भाई किस बैठन लायक कोई किस के हो गई जो सचपुछो तो गांव का लोग जाने को ना कि सब भगत परिवार अपने घर रहे से कि पढ़िया से लिखा से निकले ही कोई ना गांव में जाके खड़े कर सकते हमारे गांव में दो शहीद हो चुके ये शहीदों का काम है ये हरकत करने वाली ये जनरेशन आई है जो ये हरकत किया है इससे पहले इस टाइप की कोई घटना नहीं हुई शहीद की मूर्ति दोड़ा चौक पे लगी दो मूर्ति लगी मेरे गांव की एक सूबेदार और एक होलदार ब्लैक बेल्ट कमांडो हाँ एक तीसरा हरिनापुर का जवान इधर शहीद मूर्ति लगी है लेकिन ये हरकत किसी ने नहीं सोचा था ये हरकत भी मेरे गांव का कोई फौजी लड़का करेगा करके बेरोजगार है खाली घूम रहे हैं गल संगत में है दारू दूर पर पी लिया हल्ला झगड़ा कर लिया मारपीट कर ली वो चल नॉर्मल चीजें हैं लेकिन ये हद तक बंदा कोई चला जाएगा गांव के किसी भी बुजुर्ग आदमी ने सोचा नहीं था उसके परिवार की तो बात छोड़ दो जब गांव का किसी आदमी ने सोचा तो परिवार कहां सोचेगा परिवार का तो अंकल जी ने बताया कि सज्जन परिवार है कोई शक नहीं इसमें परिवार सज्जन है लेकिन अभी बच्चे ऐसे हो गए क्या करेगा हमारा ये वो ग्रामीण थे जिन्होंने उस बच्चे के बारे में बताया नितिन फौजी अक्सर गांव में सबकी इज्जत करता हुआ नजर आता था और किसी के साथ भी उसका कभी लड़ाई झगड़े की बात सामने नहीं आई अचानक से इस तरह की घटना में उसका संलिप्त होना ग्रामीणों को चौंका रहा है हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।